गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम है आपका फिर से। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई भी डाउट हो आप तो मुझे कंसिडर करवा सकते हैं। तो दो तरह के जो है वो डाउट आए हैं ग्रुप के अंदर। एक जो था वो था आपके मोड ऑफ प्रमल्गेशन एंड सब्सटेंसिव प्रोविजन, ठीक है ना। और दूसरा जो भेजा है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ अ पीपल। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम वो ले रहे हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है कि पर्टिकुलर पर्सन की, वो एज अ पर्सन जो वैल्यूज रखता है, जो कंट्रीज के अंदर उसकी कुछ वैल्यूज है। तो कंट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो फिर से एग्जांपल देखिए आप। एक पर्टिकुलर कोई कास्ट का पर्सन है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी मतलब उसकी मॉरल वैल्यूज है, ठीक है ना, या मॉरल उसके कुछ थीम्स है, कुछ आइडियाज है। उसी तरह दूसरा कोई और कास्ट है, उसी तरह दूसरी और कास्ट है, और उसी तरह हजारों कास्ट है, हजारों कल्चर्स है हमारी इस सोसाइटी के अंदर। तब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तब ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि भाई एक आदमी की तो वैल्यूज ज़्यादा नहीं रख सकते और ना ही दूसरे वाले की कम कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपर्स ने क्या किया, एक दो तीन सारी चीज़ों को साथ में लेके एक कॉमन गोल बना दिया। कॉमन गोल कैसे बना दिया कि भाई हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कैसी है, वो किस तरह से बनी है, उसके रिलीजियस नॉर्म्स कैसे रहे हैं, पुराने टाइम से जब हम हमारी सभ्यता कैसी रही है, हमारी जो है मेन कोर वैल्यूज जो है, फीलिंग्स जो है, एथिक्स जो है, वो कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आपके आइडेंटिटी बनती है, आदमी की पहचान बनती है। तो सभी आदमी को बराबर का हक देना, सभी को बराबर आइडेंटिटी देना, और किसी की आइडेंटिटी मतलब खुद की मॉरल वैल्यू या खुद की पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाए, उसका भी ध्यान रखना, इस चीज़ों को देखते हुए सब ने जो है कॉमन तरीके से साथ में आके थिंकिंग करके, कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने जो है सब कुछ ध्यान में रख के जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलप किया है। यहाँ पे सभी को फ्रीडम मिलती है, ठीक है, वो सभी को एक जैसी है। ऐसा तो नहीं है किसी पर्टिकुलर को अलग है या किसी दूसरे को अलग है, नहीं। दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है, अगर कोई डिक्टेटर है तो वो क्या करता है कि किसी को प्रिविलेज दे देता है, दूसरे को प्रिविलेज नहीं देता, ठीक है। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है, माओस्ट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो क्या करे, पर्टिकुलर एक जो सोसाइटी है उसको आगे बढ़ाएगी और बाकियों को आगे नहीं बढ़ाएगी। तो ओवरऑल जो है इसका मीनिंग यही है आपको कि हर आदमी की खुद की पहचान जो है वो भी रहनी चाहिए, साथ ही साथ कंट्री में जो है ये नहीं लगना चाहिए कि एक के साथ जो है अलग बिहेवियर हो रहा है और दूसरे के साथ जो है आपका अलग बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ पीपल। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये एक जो टॉपिक था वो यहां से क्लियर हो जाता है। अब बात आती है आपके मोड ऑफ प्रमल्गेशन एंड सब्सटेंसिव प्रोविजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोड ऑफ प्रमल्गेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको यही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके बना कैसे है, बना कैसे है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, लोगों से जो है वो पूछा गया है, लोगों से जो है पूछा गया है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के सभी लोगों को साथ में लिया गया, जैसा कि आप उसमें लिखा हुआ भी है बुक के अंदर आपका कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें ये कहा गया था कि सभी को साथ में लेकर चलना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपर्स थे उन्होंने यही सोचा कि हमें जो है सबको साथ में लेकर चलना है और देने का। प्रमल्गेशन क्या होता है, प्रमल्गेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ कन्वे करने का, कोई भी चीज़ देने का जो बिहेवियर है, जो तरीका है, वो कहता है प्रमल्गेशन, मोड ऑफ प्रमल्गेशन। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है, दिखती बात है सारे लोग जो है साथ में आए थे, उन्होंने जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है पूरा डिस्कशन किया था, और उसके बाद में हर एक से जो है कैटेगरी से, हर एक पर्टिकुलर कल्चर से, कास्ट से, पर्सन से, लोअर अपर सभी का ध्यान में रखते हुए जो है लोग जो है वो सब साथ में आए और उनके जो आइडेंटिटीज थे, उनकी जो मॉरल वैल्यूज थी या उनके जो थॉट्स थे, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये है आपका मोड ऑफ प्रमल्गेशन। इसके अंदर पर्टिकुलर कोई डिफिकल्टी मुझे लगी नहीं थी, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ खास, ठीक है। हाँ, एक रेफरेंडम का एग्जांपल दे रखा है, मुझे लगता है वहां पे किसी को कुछ हुआ होगा। तो देखिए ऐसा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है, उस असेंबली ने जो सेलेक्ट होके आई थी, ठीक है, इलेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं, उसने जो है डेवलप किया था। कुछ कंट्री में क्या होता है, रेफरेंडम किया जाता है। रेफरेंडम क्या होता है कि सभी लोगों से जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए जो है 10 लाख पीपल है,
ठीक है, इन सभी से पूछ लिया आप किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो। तो मेजोरिटी जैसे होती है कि 40% वोट जो आए, क्या है हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, डिक्टेटर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, तो मान लो 10 लाख में से इन लोगों ने वोट कर दिया, मेजोरिटी है, बाकी जो है कम कम परसेंटेज मिले, बाकी किसी को 10 मिले और अलग आइडिया को जो है 30 मिले और अलग आइडिया को जो है आपके 20 मिले, तो अब सबसे ज्यादा वाला कौन है 40%। तो इनके जो आइडियाज है ना उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। पर उसमें तकलीफ क्या होगी, इन लोगों के तो आइडियाज है वो तो कैंसिल हो गए ना, इनको तो किसी ने सुना नहीं। रेफरेंडम यही होता है कि जो सबसे ज्यादा लोग हैं वोट मिलेंगे या जो मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से चलेंगे। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, सभी को साथ में लेके, सभी को साथ में ऑर्गेनाइज करके हमने सभी के थॉट्स लिए, सभी के आइडियाज लें और फिर हमने जो है अपनी सारी बात कन्वे करके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डेवलप किया है जो सभी को क्या हो, लागू हो, सभी को मान्य हो, सभी को स्वीकार हो, ठीक है ना। तो ये होता है आपके मोड ऑफ प्रमल्गेशन। फिर आता है आपके एक सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके क्या क्या प्रोविजंस है, इसके प्रोविजंस यही है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है, ठीक है, सब्सटेंटिव मतलब मूल बेसिक इसके क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो वही है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किसी आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ जो है जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है बैलेंस करके जो है आपके फ्रीडम और इक्वलिटी वगैरह आपको दी गई। तो सब्सटेंटिव प्रोविजन ये प्रोविजन मतलब कि होते हैं नॉर्म्स जो आर्टिकल्स या जो थॉट्स बनाए हुए हैं, और सब्सटेंटिव मतलब कि जो मेन, तो मेन बेसिक क्या है हमारी कंट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल कि सभी को जो है बराबरी मिलनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए सभी सोसाइटी में इक्वलनेस बनी रहे, किसी को कोई इशू नहीं हो, उसके हिसाब से जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया। तो फर्स्ट चैप्टर में ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना और इसके अंदर क्या क्या आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीन जो डाउट्स थे पर्टिकुलर मैंने सॉल्व कर दिए हैं, फिर भी अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात अगर आपको लगता है हमें एक दिन रुकना पड़ रहा है तो हम जो है यहाँ पे स्कूल के अंदर अवेलेबल होते हैं, आप जो है पर्टिकुलर अपने टाइम पे आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई भी क्वेरी जो पूछ सकते हैं। 5 या 10 मिनट लगेंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, किसी तरह को यहाँ पे रोकेंगे नहीं आपको, नहीं हम स्कूल के अंदर ही बैठा देंगे आपको, और ऐसा तो नहीं स्कूल खाली पड़ी या कोई आता नहीं वैसे भी, तो उसकी डरने की बात नहीं है, घर में भी हम रहते ही हैं, तो उसी तरह आप स्कूल में आ सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज डाल सकते हैं, तो उसका जो है अगले नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, जैसा कि जिसने भी डाला था, जैसे आज की क्लास है, तो डाउट सॉल्व हो गए। अभी भी मैं आज के लिए और रुक रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है आपको वो सारे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको जो है कोई पैनिक लेने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी कुछ लोग जो घूम रहे हैं, क्लासेज नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ क्लासेज अटेंड कीजिए, एक चैप्टर तक ही रुकूंगा मैं, फिर मेरे फ्लो में आ जाऊंगा और मैं जो है पूरा कोर्स फिर स्पीड से चलाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो स्कूल का कुछ पता नहीं है खुलेगा कब जो है, पर ये जो है मीडियम इससे हम रेगुलर रहने वाले हैं, तो सभी से फिर से लास्ट बार रिक्वेस्ट है आज की तरह कि जो भी घूम रहे हैं जिन्होंने क्लासेज नहीं किए, प्लीज़ जो है आप आइए, बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, क्लासेज का जो भी इशू है वो भी सॉल्व कर लेंगे, टाइमिंग का कोई इशू है तो वो भी बता दीजिए, हर तरह की चीज़ें हैं सुन ली जाएगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है बस डिस्कशन तक ही थी, जो भी प्रॉब्लम थी उसके, और भी किसी को कोई इश्यू हो तो आज लास्ट है, पढ़ो चैप्टर और बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर नेक्स्ट जो है अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स।